चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के बहुत ही नजदीकी साथियों में से थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार उनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का बदरका गांव बताते हैं। आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके मन में एक आग धधक रही थी। जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। एक छोटे से लड़के को जिसकी उम्र 15 या 16 साल की ही थी और जो अपने को आजाद कहता था, उसे बेंत की सजा दी गई। जैसे जैसे बेंत उन पर पड़ते थे और उनकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाते थे। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वह बेहोश न हो गए। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के दल का एक बड़ा नेता बना। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके बाद 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स का वध करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। 27 फरवरी 1931 के दिन आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बावर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी के बाद आजाद ने अपने पास बची अंतिम गोली को अपने ही सिर में दाग कर वीरगति प्राप्त की। उनकी मृत्यु से आहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हालांकि मैं अहिंसक विरोध का पक्षधर हूं, लेकिन आजाद जैसे व्यक्ति युग में एक बार ही जन्म लेते हैं। लाल चंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।